बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आज प्लैनेट्स क्या अटकेलियां करेंगे। प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसब मामूल आज के दिन कैसा रहेगा प्रोग्राम जो मैं आपको पेश किया करते हैं वो लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं अमली अफराद की तरफ आता हूँ। अमली अफराद बहुत ही अच्छा दिन है, आप कई मामला बहुत सारे मामला आप निपटाते नजर आते हैं, खास तौर पर माली तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज जो आप माली मामला के लिहाज से फैसला करेंगे उससे आपकी आमदनी जो है बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगी। आइए सोरी हजरात की तरफ आते हैं। सोरी हजरात पैदा होते हैं मई में और एक्सक्यूज मी, और ये लोग पैदा होते हैं मई में और इनको हम इस बुरी का नाम है सोर। तो सोरी हजरात आप तो पैसे के मामलात में अपनी मिसाल आप हैं, पैसे के मामलात में आप जैसा कोई और इतना अच्छा पैसे के मामलात में कोई अच्छा नहीं नजर आता जितने लोग ये सोरी हजरात होते हैं। तो सोरी हजरात आज के दिन इस लिहाज से आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आप पैसे के मामले में बहुत ही अच्छे फैसले करने वाले हैं। जो आप फैसले करेंगे उससे आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि कोई तजर्बाकार या कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो उसके बाद गौर से सुन ले, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और अब मैं आता हूँ अगले बुरी की तरफ, जोधी हजरात। जोधी हजरात आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई तहकीक वगैरह कर रहे हैं किसी बात की, नजर ये आता है। ओके, इसके अलावा मैं जोधी हजरात के बारे में बता रहा था कि आप कोई तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो कोई आपके आल अफसरान है या कोई आल अफसरान या पास जैसे अंग्रेजी में कहते हैं तो ये आप उनकी बात गौर से सुनिए और उनकी बातों को गौर से सुनिए जो कोई आला अफसर आपसे बात करेगा। और इस तरह बात गौर से सुनने से आप अपने कई ऐसे मामलात हैं, कई ऐसे आपके मसले बने हुए हैं जो हल करने के काबिल हो जाएंगे और आपको मदद मिल जाएगी। उसके अलावा आपको जिस्मानी तौर पर आपको वर्जिश की बहुत जरूरत है, उसके आप वर्जिश का फौरन अपनाइए। अगला ब्रोच सत्तानी अफराद का है, ये लोग पैदा होते हैं जुलाई में, तो ये बहुत ही एक किस्म का दोस्त ऐसा दिन है, सोशल लाइफ का दिन है आपका, दोस्तों के साथ आप बड़ा अच्छा वक्त गुजारते नजर आते हैं सत्तानी हजरात। आप बड़े दूसरों को अपने अच्छी कुछ हलाकी से अपनी अच्छी बातों से दूसरों को मुतासर करते नजर आते हैं। उसके अलावा जो खास बात है अपना जो आपका माहौल है, इस माहौल का भी आप पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, बड़े खुश नजर आते हैं अपने माहौल में। और आपका ये जो अच्छा मूड है आज का, खुशगवार मूड है, हर कोई इससे मुतासर हो रहा है, हर कोई आपसे खुश है। हाँ, अगर कोई आदमी आपको मशवरा देना चाहे तो वो मशवरा गौर से सुने, वो मशवरा आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। अगला बुरी लियो है जी, इसको उर्दू में कहते हैं असद। ये लोग पैदा होते हैं अगस्त में। ऐसा लगता है मुझे असदी हजरात आपके
तंबीह करना चाहता हूँ आपको, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपके जो बातनी, आपकी जो पसे पता जिंदगी है, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है जो सिर्फ अपने आपके अपने तक ही है, उस प्राइवेट लाइफ पर निगाह रखें, क्योंकि आज के दिन कोई मामला लीक हो सकता है, आपकी प्राइवेट लाइफ पे किसी को पता चल सकता है, तो इस सिलसिले में आप बड़ी अलर्ट रहे। नंबर दो ये है कि जो माली मामला है उनसे निपटने के लिए आप बहुत कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जायदाद के लिहाज से, टैक्सों के लिहाज से मामला ठीक जा रहे हैं, और जो पैसा कमाने के या पैसा और मजीद आमदनी को बढ़ाने के जो आप फैसले कर रहे हैं आज के दिन, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जहां एहतराम की जरूरत है आज आप बड़े एहतराम से पेश आए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कहीं आपके लहजे से जरूर न टपके। आइए अगले बुरी की तरफ, सुमली हजरात की तरफ आता हूँ। आप कुछ आज आपका कोई प्लानिंग है, कुछ काम करना चाहते हैं, और उस लिहाज से आप बड़े बेचैन हैं, उस काम के लिहाज से जो आप करना प्लान किए हुए आपने, आज मुमकिन है आपको कोई नए लोगों से मुलाकात हो जाए, कोई नई जगह आप जाना जा सके और नए लोगों से मुलाकात होगी, और इस तरह घूमना फिरना भी आपका नजर आ रहा है। तो आज अगर ये मौका मिल जाए तो आप इस मौके से फायदा उठाएं और घूमे फिरे, नए लोगों से मिले, नए मकामात को देखें, और इस तरह अपनी ये जो आपकी अर्ज है, तलब है घूमने फिरने की, पूरी हो जाएगी। तो थोड़ा अगर सफर आप नहीं कर सकते तो इसलिए कह रहा हूँ कि सफर न करने की सूरत में आप थोड़ा बहुत अपने घर के ही घूमना फिरना शुरू करते हैं, अपने माहौल जो है आपका उसके के चले जाएं, और इस तरह थोड़ी बहुत सैर सपाटे से भी आप अपने आप को मुतमिन कर सकते हैं, इससे आपके बेचैनी किसी हद तक दूर हो जाएगी। और मुताले का अगर आपको शौक हो तो उसके लिए भी ये दिन अच्छे आ रहे हैं, आप मुताला किसी बात का मुताला शुरू कर दें। तो अब हम आते हैं लिब्रा की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में, यानी मिजानी अफराद कहते हैं हम अपनी जबान में। तो आज आप मूड ऐसा बने हुए है कि आप खुद ही पसे पड़ता, बगैर किसी की शिरकत के, बगैर आप खुद ही इधर पड़ता काम करना चाहते हैं, और आप इसी तरह सारा दिन दर पड़ता अपना काम जो है वो निपटाते रहेंगे, और जो भी काम कोई बिगड़ी हुई है माली तौर पर या वैसे, उनको भी आप उनसे भी निपटने की आज आप कोशिश करेंगे। माली तौर पर खास तौर पर आपकी तवज्जो चाहेंगे और आप उनको तवज्जो दे रहे हैं। टैक्सेस के बारे में भी सोच लीजिए, जायदाद के बारे में भी सोच लीजिए कि उनके बारे में क्या करना चाहिए, वो भी आपकी तवज्जो चाहते हैं। आज इस तरह करने से आप अपने मामलात को ज्यादा मुनज़्ज़म कर लेंगे और आप इस मामले से खुश होंगे कि मेरी जिंदगी मुनज़्ज़म हो गई है, और आप अच्छे फैसले करने के काबिल हो जाएंगे। तो यूं जो है माली मामलात को एक दफा फिर कहूंगा जेहन में रखें और उनको तवज्जो दें। अब मैं अगली बुरी की तरफ आता हूँ। अगला बुरा जो है अकरब, अकरबी हजरात, आज आप बड़े मकबूल शोहरत में से आपको हर कोई आपकी तवज्जो चाहता है, खासतौर पर वो लोग जो फनूल लतीफ से दिलचस्पी रखते हैं, उनसे मेल जोल से आपको आप बड़े लुत्फानंदोज होंगे। आपका कोई अभी तक कोई दोस्त चला आ रहा है, किसी से दोस्ती थी आपकी आज तक, लेकिन वो दोस्ती बढ़ती बढ़ती
आज आप महसूस करेंगे कि वो दोस्ती आपके रोमांस में तब्दील हो रही है। वो जो आपका दोस्त है वो आपका लवर बन जाएगा। आज के दिन ये बहुत बड़ी तब्दीली आपके लिए। और इसका कोई और बुजुर्ग है, बड़ी उम्र के तजर्बाकार, या कोई आपके बड़े ज़हीन किस्म के दोस्त है, उनकी बातें गौर से सुने, बहुत ही गौर से सुने, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये किसी की बात सुनना, मशावरत करना, किसी की बात सुनना, किसी के मशवरे को गौर से सुनने में कोई हरज नहीं, इससे हमेशा फायदा होता है। अगला बुरज, अगला बुरज आ गया जी दिसंबर के लोगों का। दिसंबर वाले लोगों का हम कौस कहते हैं, और इनकौसी हजरात के हवाले से ये आया हुआ है। प्लैनेट यूं कह रहे हैं कि आप बहुत सारा काम जो है आज के दिन आप निपटा लेंगे, और आपका काम करने का मूड भी बना हुआ है, और इस तरह आप बहुत सारा काम निपटाने के काबिल हैं, और इस तरह आपको पता चलेगा कि अगर इतना काम किया जाए, इस तरह काम को निपटाया जाए, इस तरह अपनी ड्यूटी की जाए, तो इसे कितने माली फवायद हासिल होते हैं। आपको ये भी एहसास होगा अपने फराइज सर अंजाम देख कर। और आज के दिन भी आपको कोई ना कोई माली फायदा होता नजर आता है। तो इस तरह आपका सारा दिन जो है आपका मूड अच्छा रहेगा, और माली लिहाज से आप सोचेंगे कि मैं इस तरह अपने आप को मनजम करके मजीद माली मामलात का फायदा उठाऊं, अपनी जिम्मेदारियां पूरा करके, अपने फराइज पूरे करके। तो यूं काम के मूड में आप तो काम करते रहे, काम से अब आपको बहुत फायदा होगा, ये वादा नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कल भी मैंने इसी किस्म के ख्याल आपके हवाले से आपको पहुंचाए थे कि आप जिम्मेदारियों को कबूल कर लें। आइए अगले बुरी की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं जनवरी में, इस बुरी का नाम है जद्दी। तो जद्दी हजरात जो है बड़ी कोई मुख्तलिफ किस्म के आदमी जो है आज आप उसके साथ आपका कोई मेल मिलाप हो रहा है, बड़ी मुख्तलिफ किस्म का आदमी है। तो मेल मिलाप जो हो रहा है उससे कोई रोमानवी जिंदगी भी आपकी शुरू हो रही है फिर आज के दिन। और जो अगर आप फनुर लतीफे में दिलचस्पी लेते हैं तो उस लिहाज से भी आज आपका बहुत अच्छा दिन है। मेहनत मशक्कत से और तंजीम से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो यूं आज आपके जो तख्लीकी सलाहियतें हैं आपकी, उनसे पूरा पूरा तख्लीकी सलाहियतें आपके बेदार हैं, उनसे पूरा पूरा फायदा उठाइए। अगला बुरज आ गया जी उन लोगों का जो फरवरी में पैदा होते हैं, इनको हम कहते हैं दलवी हजरात। बुरे का नाम है दल। तो दलवी हजरात, आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है, तजर्बाकार अकलमंद बुजुर्ग आपकी फैमिली में, वो आपको कोई बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, और मशवरे को अगर आप अमली शक्ल दें तो इससे आपको बहुत फायदे हासिल होंगे मुस्तकबिल में। तो अगर के अगर आप कोई ऐसा हमदर्दी किसी के चाहते हैं तो आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तो अगर आप किसी से हमदर्दी चाहते हैं, किसी से मशवरा करना चाहते हैं, किसी को अपनी तकालीफ का दुख दर्द का बताना चाहते हैं, तो किसी के साथ बात करने में, बुजुर्ग के साथ बात करने में कोई हरज नहीं, और उसकी नसीहत सुनने में मजीद आपको फायदा होगा। और उसके अलावा आपको दिन जो है बस ऐसी
नॉर्मल सा दिन है आपका गुजरता नजर आता है। बड़ी बात यही नजर आती है कि कोई बुजुर्ग है आपकी फैमिली के जो आपको मशवरा देते या आपको नसीहत करते नजर आते हैं। इस नसीहत को पकड़ लें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा मुस्तकबिल के हवाले से। आखिरी बुरज आ गया है भूत, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पाइसेस। तो हुती अफराद आज आप बड़े संजीदा से नजर आ रहे हैं, बड़े संजीदा आप बहुत संजीदगी से काम ले रहे हैं हर मामले में। जो भी कोई आपसे रब्ता करेगा आप बड़ी संजीदगी से पेश आते नजर आते हैं। इस संजीदगी के मूड में आप बहुत कुछ मुताले की तरफ भी आपका तबीयत मायल हो रही है और नया काम सीखने की भी तरफी तबीयत आपकी मायल हो रही है और तबीयत मायल है, यकसुई आपको हासिल है। तो इस तरह आप मुताला करें, मुताला करने के लिए जो यकसुई चाहिए वो भी आपको नसीब है। तो यूं मुताला करने के लिहाज से, मजीद तालीम हासिल करने के लिहाज से आज आपका बहुत ही अच्छा दिन है। और अगर कोई और ज़हनी काम आपने करना है तो उसके लिए भी आज बहुत मौजूद दिन है। आपका ज़हन आपका साथ देगा उस मसले को हल करने में। और दूसरा ये है कि आज आप तफसील, बड़ी तफसील से हर बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो काम भी आज आप करेंगे तफसीली तौर पर जो आपको यकसुई हासिल है उसकी वजह से आप उस काम में कामयाब होते नजर आते हैं और उस काम को आप अच्छी तरह करेंगे। और ये जो फराइज है या फर्ज है इसको आप बड़ी अहमियत दे रहे हैं। तो आपका जो फर्ज है आप उसको पूरा कर रहे हैं और करते हैं। तो आप अगर जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मजीद मनसूबा बंदी से काम लीजिए और उन मनसूबों पर फिर काम करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही फिर आप जो जो आपके मनसूबे कामयाबी आती जाएगी। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म हो रहा है। हमने आपको अपना अमली अफराद से लेकर रूती अफराद तक जो भी आज के प्लैनेट के हवाले से सियारे नजर आ रहे थे उसके मुताबिक आपको बता दिया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद और नाजरीन आपका। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।